हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चकली की रेसिपी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन जाती है। हमारी चैनल पर हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में रेसिपी अवेलेबल है, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इंस्टेंट चकली बनाना शुरू करेंगे। चकली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप चावल का आटा। जो रेगुलर चावल का आटा रहता है वो ही यूज़ किया है। उसके साथ मैंने लिया है ये दाढ़िया का पाउडर, यानी कि ये रोस्टेड चना दाल आता है जो हम चटनी पोहे में डालने के लिए यूज़ करते हैं, उसका मैंने पाउडर बना के लिया है 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास ये दाढ़िया नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच बटर लिया है। तो अभी हम आटे को गूंदेंगे, इसलिए एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर अभी ऐड कीजिए पिसा हुआ दड़िया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी यूज़ किया है, अजवाइन। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना, और तिल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बटर को भी ऐड करके बटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी हम आटे को गूंदेंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा हमें गीला करना है, थोड़ा मीडियम साइज़ का हम गूंदेंगे। तो अच्छे से उसके अंदर गूंदिएगा, चावल का आटा है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसल मसल के गूंदिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आटा मैंने अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। इस तरीके का आटा हमें गूंदना है। मैंने 300 ml जितना पानी यूज़ किया है। अभी 1 चम्मच जितना तेल डाल के उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे से आसानी हो। तो अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। चकली बनाने का मशीन भी ले लिया है, इस तरीके की जाली ले ली है, मशीन को ग्रीस करके तैयार कर लिया है। अभी हम इसके अंदर आटा डालेंगे। तो पहले आधा आटा ले लीजिए, उसको ऐसा हल्का एकदम अच्छा सा एक शेप दीजिए, ताकि अच्छे से अंदर जाए। तो इस तरीके से अभी हम उसको अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो मशीन के अंदर जितना आटा आए उतना आटे को ऐड करके तैयार कर लीजिए। तो मैंने मशीन को तैयार कर लिया है, मशीन को बंद करके हमें अभी तैयार कर लेना है। तो अभी मैंने एक बटर पेपर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो चकली को उठाने के लिए। तो अभी हम चकली को गिराएंगे। तो अभी हमें राउंड करके घुमाना है, तो एकदम हल्के हाथ से हमें ऐसे राउंड घुमाते जाना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चकली बन रही है। हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी चकली को बनाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा निकाल के उसको ज्वाइन कर लीजिए। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी चकली को भी बनाना है, एकदम हल्के हाथ से उसको राउंड करके, हाथ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, घुमाते जाइए। और इसी तरीके से उसको चिपका दीजिए साइड में, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सारी चकली को बना के तैयार कर लूँगी। तेल गरम हो गया है, चकली भी अच्छे से बन के तैयार हो गई है। मीडियम गैस पे उसको फ्राई करेंगे, तो उसके अंदर चकली को डालेंगे धीरे धीरे करके, और जितना कि कढ़ाई में आए उतनी चकली को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने सारी चकली को ऐड कर दिया है। थोड़ी देर में हम उसको घुमाएंगे, यानी कि पलटेंगे, ताकि ये सारी जगह से अच्छे से फ्राई हो जाए। पलट पलट के फ्राई करना है। इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कीजिएगा, जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी और उसका जो कलर है वो अच्छे से रेड कलर ना आ जाए। तो अच्छे से उसको फ्राई करना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चकली अच्छे से फ्राई हो रही है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी भी बन रही है। तो हमारी चकली अच्छे से फ्राई होके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम एक किचन टॉवल में निकाल लेंगे। उसी तरीके से हमें सारी चकली को फ्राई कर लेना है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो सारी चकली को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ध्यान रखिए कि मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है। ये हमारी इंस्टेंट चकली बनके तैयार है। आप ये दिवाली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको कैसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।